अमृतसर में आज एसोसिएशन ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया का आज 10वां जो है ये आज करवाया जा रहा है, 10वीं कन्वेंशन है और पहुंचे हैं बहुत दूर दूर से डॉक्टर यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट हैं जो इस एसोसिएशन के, डॉक्टर विनय अग्रवाल और गिरीश राव भी हैं। ये इनसे बात कराएंगे कि आज के कार्यक्रम का क्या संदेश इन्होंने दिया, क्योंकि हर साल कोई ना कोई थीम एसोसिएशन की ओर से लिया जाता है। डॉक्टर साहब, पहले तो आज आप सबको, पूरी आपकी पूरी टीम को बधाई हो कि आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसका बेसिकली मकसद क्या है और किस तरह का मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं? मैं अभी सुन रहा था इनका लेक्चर, एक समय था जब बुलेट लग जाती थी तो फेस तो बंदा ख़त्म हो जाता था, लेकिन आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई खासकर मैक्सिलोफेशियल में, तो कुछ भी जो है वो आज संभव है। सबसे पहले तो जो प्रॉब्लम आती है जनरल पब्लिक को कि जब भी उनको कोई फेस के ऊपर ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरह की कोई बीमारी हो गई, तो जनरल पब्लिक को ये नहीं पता चलता कि उन्हें किस स्पेशलिटी के पास जाना है। तो ये जो रेगुलरली हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इसका इसमें हम दूसरी स्पेशलिटी के लोगों को भी बुलाते हैं, पॉलिटिशियंस को भी बुलाते हैं। इस बार हमने आर्मी के पर्सनल्स को बुलाया, ब्रिगेडियर योगेश शर्मा को। तो हमारा जो पर्पस रहता है कॉन्फ्रेंस करने का, एक तो कि ये एक जनरल लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हाँ ये स्पेशलिटी क्या काम करती है और किस किन कंडीशंस में आपको उस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। दूसरा, ये कॉन्फ्रेंसेज हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट हैं जो कि इस फील्ड में ट्रेन हो रहे हैं, उनको नए नए अपडेट मिलते रहें, और जो पुराने डॉक्टर्स हैं जो जिन्होंने काफ़ी पहले की है पोस्ट ग्रेजुएशन या जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे नीड टू बी अपडेटेड, क्योंकि एवरी ईयर कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती रहती है। जैसे इस बार हमारा थीम है डिजिटल पे, कि डिजिटल एडवांसमेंट जैसे हर फील्ड में आ रही है, तो इसी तरह मेडिकल फील्ड में भी आ रही है, तो हमारी स्पेशलिटी में क्या क्या डिजिटल एडवांसमेंट आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बेसिकली ये पर्पज़ अवेयरनेस है और अपग्रेडेशन है। डॉक्टर साहब, आज भी किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, पहले आजकल तो वैसे क्वैक्स बहुत कम हो गए, एक समय था भी सड़क पे देखा था दंसाज बैठे हुए हैं जी, लोग करवा रहे हैं काम, लेकिन उसमें बहुत अवेयरनेस आई है, फिर भी किन चुनौतियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? सबसे बड़ी जो चुनौती है यही अपडेटेशन की है, कि अपडेट रखना अपने आपको वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हम कोई भी स्पेशलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो दूसरी जो मैंने कहा अवेयरनेस इन द पब्लिक, मोस्टली यही इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम आज लोग अपने दांतों कहते हैं ना बत्ती है कोई गल नहीं, तो क्या उन खास करके यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? दांत 32 तो हैं, लेकिन दांत सिर्फ दांत नहीं है, यू नो कि जब हम दांत हमारे लूज होते हैं, जब सपोज किसी के दांत निकल जाएं, तो उसके फेशियल बोन्स जो हैं वो श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं, सारे मसल जो हैं श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। अगर 40 की एज में हमने दांत लूज कर दिए तो हमारी हड्डी जो है वो बैठनी शुरू हो जाएगी, तो हड्डी जब बैठेगी तो चेहरे की पूरी प्रोफाइल चेंज होगी। तो इसलिए दांत हमें सोशली एक्सेप्टेबल बनाते हैं, ऑफ कोर्स खाने के काम भी आते हैं, लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल पर्सनैलिटी और हमारी यूथफुलनेस को मेंटेन करते हैं। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर विनय अग्रवाल, हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश राव। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आप एक एरेडिकेशन की बात कर रहे थे, मैंने आपको सुना, किस तरह का एरेडिकेशन प्रोग्राम आप चलाने वाले हैं? थैंक यू। आई एम द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया। Now, maxillofacial surgery is dealing with facial surgery. We have a lot of accidents where both the soft tissue and hard tissue, fractures of the jaw, that is what we deal with. And then we have a very big problem in India, that is basically mouth cancer. If you look at all the cancers, nearly 30% of all the cancers in India is because people in India chew pan masala and gutkha, or they smoke. Tobacco in any form can cause mouth cancer. Now, a big responsibility of ours is basically prevention and early detection. Unfortunately, people come to us at a very late stage when the cancer has already spread to the neck or other parts of the body. So our specialty, our association is doing a pan-India awareness campaign, not only to stop people from getting cancer, but also in early detection. So it is very important that people go for checkups
to a dentist or to a maxillofacial surgeon or to your own general medical practitioner, just a simple mouth examination. If there is an ulcer, if there is a swelling which is not healed in the next 3 weeks, then we can do a small biopsy so that we can confirm that whether it is cancer or not. So prevention is better than cure. And today with newer technologies coming in, you know, we are bringing in 3D printing technology. We are bringing in things like artificial intelligence, right? With genetic engineering, cancer can be very well cured. And that is what our specialty of maxillofacial surgery is striving hard for. Every cigarette box and those tobacco products written, this is the injuries to health. Even though people are getting this, and what do you think about that? Should the government do such awareness drive or something like that? People should save this cancer problem. Government is doing a fantastic job. And today by banning, you know, smoking in public places, it has made a big difference. I remember even in the flights at one point of time, 30 years back, you could smoke. In your clinics, you could smoke. And in a hotel you go, it used to be full of smoke. Today, it doesn't happen. Luckily, there are designated areas where you can only smoke. But we need to do a lot more for smokeless form. This is basically tobacco chewing. People chew a lot of tobacco and they think smoking is bad, but chewing tobacco is even worse. Even things like pan masala can cause pre-cancer, which becomes cancer. So it is important that we create, you know, a partnership between the public, between our associations as doctors, as well as the government. When all of us work together, we can eradicate this disease. Thank you. Doctor, Punjab mein, kyunki Doctor Shah ne badi achhi baat kari hai ki jo cancer eradication ke liye aap ek program chalayenge. Punjab mein isko lekar kya khas chalaya? Kyunki data hai ki kitne log is ke karan, ye tamago products ke karan cancer ka shikar ho rahe hain? Data hai kyunki? Yeah. Nearly around 90,000 people get cancer every year and they die because of cancer. Almost 1 lakh people die because of cancer, just because of that. Now, this is something which we need to change, because cancer, if it is detected early, is 100% curable. Unfortunately, if they come to us at a very late stage, then even though we have very good technology with surgery, radiation, chemotherapy, still the outcome, 5-year survival, what we call, is not very good. So we need to change to early detection and prevention. धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए. ये देखिए डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि कैंसर जो है, मुंह का कैंसर अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो बंदे को बचाया जा सकता है. लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आप वो काम ही क्यों करते हैं जिससे कारण आपको कैंसर होता है? क्यों आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं या सिगरेट पीते हैं? तो अपने लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं और अपने परिवार के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं. डॉक्टर साहब, कुछ एक लाइन में कुछ संदेश देना चाहें आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर गिरीश ने भी कहा कि हमें इलाज से बेहतर प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना चाहिए. गवर्नमेंट ने जैसे सभी सिनेमाघरों में भी कैंसर के लिए वीडियोस वगैरह चलाती है, तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो डूइंग ए लॉट एंड वी आर ऑल्सो डूइंग इट एट आवर लेवल, क्रिएटिंग अवेयरनेस टू प्रिवेंट कैंसर. धन्यवाद जी. इस कार्यक्रम में खास तौर पर जो अमृतसर के GOC हैं, योगेश शर्मा ब्रिगेडियर हैं, वो पहुँचे हैं और भी बहुत सारे डॉक्टर जो पहुँचे हैं हमारे साथ हैं. डॉक्टर नितिन वर्मा जो इस एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं. डॉक्टर साहब, आज आपका ये कार्यक्रम था जिसमें ब्रिगेडियर साहब भी आए हुए थे, तो बेसिकली क्या मैसेज क्या पब्लिक को देना चाहेंगे आप? ख़ास तौर पर पब्लिक को ये बताना चाहेंगे कि हमारी जो स्पेशलिटी है वो खाली सिर्फ दांतों से रिलेटेड नहीं है. उसमें कोई गन शॉट इंजरी है वो हम ट्रीट कर सकते हैं, किसी तरह का मुंह का कैंसर है वो हम ट्रीट करते हैं. अवाम अमूमन उसको यही नहीं समझ आता कि जाना कहाँ है, तो वो इधर उधर जाने के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आए, हम सेवा कर सकें, हम लोगों को बता सकें कि हम आपकी, चाहे आप नाक की सर्जरी करानी हो, हमारे पास स्पीकर हैं जो नाक की सर्जरी कैसे करनी वो बता रहे हैं, हमारे पास स्पीकर हैं जो ये बता रहे हैं कि भाई आपने ट्यूमर कैसे ट्रीट करना है, आपने फ्रैक्चर कैसे ट्रीट करना है. सो सारी जो फेस के रिलेटेड चीज़ें हैं, सर्जरी ओरिएंटेड, वो हम कर रहे हैं. बड़ा एडवांस हो गया है. देखिए डेंटल, एक समय था कि लोग दंत साजों के पास जाते थे, लेकिन आज तो डॉक्टर साहब, क्या आप यूथ को बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे क्या, क्योंकि इन बीमारियों से बचा जा सके? कुछ तो देखिए एक्सीडेंट हो गए तो बंदे हेलमेट नहीं पहनते हैं, इन चीज़ों से बचा जा सके? देखिए जी, उसके लिए एज एन एसोसिएशन लेवल पर भी, हम पूरे पंजाब लेवल पर, अगर मैं आपके माइक के हवाले से ये कहूँ, तकरीबन 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मेरी बात, मतलब
अनऑफिशियल सी हुई है कि हम रोड सेफ्टी कैंपेन चलाना चाहते हैं, जिसमें कि हम ये अवेयर करेंगे कि अगर आप ये चीज़ें ना फॉलो करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, किस तरह की आपके पास प्रॉब्लम्स, मतलब फेस चेहरा आप पहचान ही नहीं सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसे कि हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने कहा, एक क्लिनिकल रजिस्ट्री पूरे हिंदुस्तान लेवल पे बन रही है, और हमारे नेशनल सेक्रेटरी ने माइक पे कहा है कि पंजाब की जो एसोसिएशन है वो सबसे ज़्यादा काम कर रही है, तो वो क्लिनिकल रजिस्ट्री बनेगी ओरल कैंसर के लिए। वो ओरल कैंसर की फिर अर्ली डिटेक्शन के लिए हम क्या क्या करेंगे, एक पूरा नेशनल लेवल प्रोग्राम नेक्स्ट एजेंडे में। ओरल कैंसर का भी बोला है कि एरेडिकेशन ओरल कैंसर के लिए एक कैंपेन चला रहे हैं, तो पंजाब उसमें क्या पार्टिसिपेट कर रहा है? पंजाब उसमें जी सरकारी अस्पतालों में सारे में, आपको मैं वैसे इस माइक पे ये भी बताना चाहूँगा कि सिर्फ पंजाब ही एक ऐसा हमारा स्टेट है जिसने पूरे हिंदुस्तान में ट्रॉमा ट्रेनिंग प्रोग्राम पंजाब सरकार के बैनर के नीचे किया। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ है, एंड मुझे ही मौका मिला था पूरे पंजाब में जाने का। सो वो प्रोग्राम 4 महीने के लिए चला है, पूरे 4 महीने चला है। उसी तरीके से हम ओरल कैंसर पर भी अवेयरनेस करेंगे। चलो धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। डॉक्टर नितिन वर्मा हैं, ऑर्गेनाइज आज खास तौर पर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, इनका उसमें बड़ा योगदान रहा है। जैसे हमने पहले भी डॉक्टर से बात की, एक जो ओरल कैंसर है वो किस करके होता है, ये तो सब जानते हैं कि तंबाकू सिगरेट पीने से ये ओरल कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग ये काम करते हैं और 1 लाख के करीब बंदे हर साल इस चीज़ से मर जाते हैं। और जो रोड सेफ्टी के लिए एक अभियान चला रहे हैं, हम इनको उसके लिए बधाई भी देते हैं और सरकार इनका इनकी मदद कर रही है, लेकिन डॉक्टर, आप एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर हमेशा ही पब्लिक जनता का भला चाहता है, लेकिन जनता को भी कुछ अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी बीमारियों से हम बच सकेंगे। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।